हेलो एवरीवन और वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरी वन कोर्स फॉर यू पी एसी एग्जामिनेशन एंड यू आर एट ए वेरी वेरी इनोवेटिव चैनल दैट इज लेट्स यू पी एसी एंड इस चैनल के अंदर हम आपको वन पॉइंट फाइव ईयर्स के करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी से मे ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट तक कंप्लीट प्रस के हॉलिस्टिक वे के अंदर हम करंट अफेयर्स यहाँ पर डील करते हैं बट बिफोर स्टार्ट प्लीज काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑर्डेबल और नॉट सो दैट आई कैन स्टार्ट द लेक्चर and before we start i also want to let you know that if you want to crack your PCCC examination with india's largest learning platform then you have to click on the get subscription link that you will find on an academy website as well as an academy application and after taking the subscription you will get following features like daily live classes structure courses live test and quizzes and unlimited access these are the different different features that are provided by the academy so th see an academy is a big platform and approximately 100 plus top educators are there on an academy top name in chaharog that. ये एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे अगर आप अन अडमी प्लस ज्वाइन करेंगे तो राइट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सी कवरेज ऑफ सिलेबस प्रोवाइडेड बाय द प्रोवाइडेडमी एंडेडमी के अंदर आप ऑप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड द कॉस्ट लाइव डीबी कोड यूज करोगे तो दस प्रतिशत एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड द इफेक्टिव फीस विल बी फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी लाइव डीबी इज द कोड दैट विल गिव यू टेन परसेंट डिस्काउंट दस प्रतिशत डिस्काउंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा राइट एंड इसी तरह से आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं दिस इज आइनिक आइकनिक क्या होता है सर आइकनिक का मतलब ये टीम ऑफ मेंटर्स विल बी देयर टू गाइड यू एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन राइट और यहाँ पर ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन और आइनिक सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट ये है लाइव डीबी कोड यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं दस प्रतिशत डिस्काउंट आपको मिलेगा राइट right? इसी तरह से ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन अलग से लेना हो तो आप ले सकते हैं लाइव डीवी कोड मतलब इन कंक्लूजन लाइव डीवी कोड इज द वन कोड विच विल गिव यू टेन परसेंट डिस्काउंट माई पर्सनल गाइडेंस हाउ टू यूज प्लस प्लेटफॉर्म एफिशियंटली अविल वन कोड मल्टीपल बेनिफिट चलो बच्चों अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं बट बिफोर स्टार्ट फ्री क्लासेज जो बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वन रीजन ऑन अनदर फ्री क्लासेज आर अवेलेबल टू दैम वन पॉइंट फाइव ईयर करेंट एफेयर्स यू आर एट वन पॉइंट फाइव ईयर करेंट अफेयर्स है ये थ्री थर्टी पी एम्स पर डेली क्लास होता है इंडियन एक्सप्रेस एनलाइसिसम पर होता था अब हो गया है नाइन ए एम पर राइट right?

सेप्ट का मतलब क्या होता है हमको रटना है कुछ चीज मग अप करनी है कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है राइट सो रूल्स ऑफ द गेम इज सिंपल मेक शॉर्ट नोट्स रिवाइज पीडीएफ टू टाइम्स सर पीडीएफ दोगे तो रिवाइज करेंगे यस yes, बच्चों ट्वेंटी नाइन के बाद आई थिंक पीडीएफ इज पेंडिंग आई विल प्रोवाइड यू पी टुडे ओनली आज किसी भी हालत में मैं पी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ठीक है रिवाइज पीडीएफ टू टाइम्स देन रिवाइज इट टू टाइम्स एंड प्ले क्यूजेज एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल दिस इज द गेम नंबर रूल नंबर फोर्थ राइट लेट स्टार्ट द गेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस तरह से हमने इमरजेंसी भी पढ़ा दी थी प्रीलिम्स पोस्टर सीरीज के अंदर प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी हो बहुत सारे अल्टीमेट टॉपिक्स आने वाले हैं बच्चों इसको जरूर देखिएगा फाइव पी पर एक कोर्स होता है राइट चलिए सबसे पहला हम देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम अब देखो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम क्या होता है देखो कि मान लो कि मुझे uh, मैं मान लीजिए मैंने कुछ प्रोडक्शन तो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ ठीक है ओके सर आप मैन्युफैक्चरर है That इज वेरी फाइन मेरे को क्या करना है मेरे को आ, मैंने हंड्रेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करो गवर्नमेंट ने कहा अरे भाई इतने क्यों प्रोड्यूस करो ज्यादा प्रोड्यूस करो ऐसे क्या कर रो ठीक है तो मैंने कहा कि भाई सर साहब मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ ज्यादा मेरा हंड्रेड में काम चल रहा है तो फिर गवर्नमेंट इसको लालच देंगे लालच कैसे देंगे कि लालची इंसान एक काम करो कि हम अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ना तो हम तुम्हें ना फोर से सिक्स परसेंट का इंसेंटिव देंगे है ना प्रोडक्शन से लिंक कर दिया इंसेंटिव है ना प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव तो फिर मैं क्या करूंगा अब मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा क्योंकि फोर से सिक्स परसेंट तो कौन दे रही है प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम फॉर द टेलीकॉम सेक्टर विद एन आउटले ऑफ बारह करोड़ ठीक है ओवर फाइव ईयर पांच साल के लिए बारह करोड़ रुपए लेकर पी आई स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर स्टार्ट कर दिया है ठीक है ठीक है सर तो ये देखिए स्कीम में क्या है फोर से सेवन परसेंट इंसेंटिव दिया जाएगा आपको इसके अंदर याद रखना अच्छा कैसे कंपेयर टू टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी अब ये एग्जाम में पूछा जाएगा मान लो टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में मैंने सौ प्रोड्यूस करे थे तो गवर्नमेंट बोलती है कि इससे अगर तुम ज्यादा प्रोड्यूस करोगे ठीक है एक परसेंटेज ज्यादा प्रोड्यूस करोगे इससे तो उतनों पर है ना सब पे नहीं उतनों पर जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे ना उतनों पर हम तुमको क्या कर देंगे हम तुमको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट इसलिए कर रही है जिससे प्रोडक्शन के अंदर बूस्ट आए ठीक है टू बूस्ट ऑफ द प्रोडक्शन गवर्नमेंट इज सेइंग कि जितना ज्यादा तुम तो मोबाइल जैसे मोबाइल है तो मोबाइल मैंने सो प्रोड्यूस थे बोले इस बार अगर करो मोबाइल प्रोड्यूस कर लेना तो इन पचास मोबाइल पे चार से छह परसेंट हम देंगे आपको ठीक है तो तो मैंने कहा सर पांच सौ करूंगा जिससे क्या होगा उन चार सौ मोबाइल पे तुम मेरे को चार से छह परसेंट दोगे दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन तो दिस इज द थिंग एक्सपेक्टेड बेनिफिट ये देख लेना ऑब्जेक्टिव टू मेक द इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन हब ट जॉब्स एंड कट टू इम्पोर्ट्स स्पेशली फ्राम द चाइना ठीक है इस तरह से क्या है हम अब धीरे धीरे पी एल आई स्कीम है ना सबके अंदर बढ़ाते जा रहे हैं अभी हमने टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये स्टार्ट करी थी दैट्स वाई इट इज इ न्यूज इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन द ऑन इम्पोर्ट बिल्स ठीक है जिससे क्या हो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो ठीक है अंदर ही अंदर प्रोड्यूस हो देखो अभी क्या है कि आपने सुना होगा कि जैसे एप्पल की इंडस्ट्री एप्पल मोबाइल है ठीक है एप्पल मोबाइल है तो एक तो वो बाहर प्रोड्यूस करे एक हमारे घर में प्रोड्यूस करे तो हमारे घर में आकर तुम प्रोड्यूस करो तो उसको इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं तो घर में आगे प्रोड्यूस करोगे ना तो हम तुमको प्रोडक्शन पे इंसेंटिव देंगे तो सोचेंगे यार हम इधर क्यों प्रोड्यूस करें हम इंडिया चल कर ही प्रोड्यूस कर लेते हैं और वहाँ मार्केट भी है हमारा एक शॉप भी खुल जाएगा तो यहाँ से फॉरन इन्वेस्टमेंट को फॉरन इन्वेस्टमेंट को क्या करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए भी स्कीम लगाई गई है आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन एनी बड़ी हैज़ एनी डाउट प्लीज लेट मी नो चलिए, मार्च 2020 100 का 150 प्रोड्यूस इंक्रीज कितना हुआ सर 50 इंक्रीज हो गया तो 50 के ऊपर क्या कर रहे हैं हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं ठीक है जिससे क्या होगा कि भारत इन्वाइटिंग फॉरिन कंपनीज टू सेटअप शॉप इन इंडिया जिससे आए एप्पल वाला और एप्पल वाला एप्पल की दुकान लगा है यहाँ पर ठीक है द स्कीम्स ऑल्सो एम्स टू एनकरेज लोकल कंपनीज टू सेटअप और एक्सपेंड एग्जिस्टिंग मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स और मैनुफेक्चरिंग यूनिट्स बनाए हम इससे कि इंसेंटिव मिलेगा तो इंसेंटिव की भूख के कारण हम क्या करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करने लग जाएंगे और गवर्नमेंट कहेगी काम हो गया भाई थोड़ा सा बहुत ही क्योंकि हर जो एंटरप्रेनर होता है हर जो कैपिटलिस्ट होता है वो लालची होता है उसको मिलेगा कि अगर चार से छह परसेंट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करो दिस इज नोन एज स्कीम और द स्कीम हैज़ बीन फॉर मेनी सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आई टी हार्डवेयर फार्मास्यूटिकल्स ऑटोमोबाइल्स एंड कॉम्पोनेट्स इन सब के ऊपर पी एल आई स्कीम लागू है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी इसकी चलो भाई अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज चंद्रयान सेकंड चंद्रयान सेकंड आपने देखा था कि चंद्रयान सेकंड के अंदर विक्रम नाम बहुत फेमस हो गया था क्यों विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर पाया था राइट और लैंड नहीं कर पाया तो उसके ऊपर बहुत मीमे मेम्स भी बने थे मीम्स भी बने थे इसके ऊपर ठीक है तो ये लैंडर विक्रम क्या हुआ था ये सब चीजें हम इसके अंदर देखते हैं राइट चलिए लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन देखिए बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या है इसके तीन कॉम्पोनेंट है ऑर्बिटर ऑर्बिटर क्या होता है सबसे पहले है समझो ऑर्बिटर ये है जो चंदा मामा के चारों तरफ घूमेगा ना दैट इज ऑर्बिटर ठीक है इसके ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है दैट इज नोन एज ऑर्बिटर सर ये क्या करता है ये बस घूम के इन्फॉर्मेशन लेता है ठीक है घूम घूम के इन्फॉर्मेशन लेगा ठीक है सर दूसरा क्या है दूसरा है लैंडर लैंडर ये थे विक्रम साहब ठीक है तो ये लैंडर लैंडर क्या है वहां पर मून की सरफेस पे लैंड करेंगे ठीक है और सरफेस पे चलेंगे चलेंगे कैसे अभी बताता है है ठीक लैंडर लैंड करेंगे और मून की सरफेस पे चलेंगे और यहां पर जो था दैट वाज द फर्स्ट सॉफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग लैंडिंग सर क्या होता है सॉफ्ट लैंडिंग भी अभी बताएंगे व्हाट इज सॉफ्ट लैंडिंग ऑल अबाउट राइट तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज रोवर रोवर का मतलब जो इसको यहां तक लेकर जाएगा ठीक है देखो ऑर्बिटर तो क्या करेगा घूमता रहेगा यहां पर और रोवर क्या करेगा इसको लेकर जाएगा लैंडर को लेकर जाएगी जो गाड़ी उसको रोवर बोलेंगे ठीक है सिक्स व्हील्ड ए आई पावर व्हीकल विच मूव ऑन द लूनर सर्फेस और फिर उसके अंदर से निकल के आएंगे विक्रम और विक्रम जो होंगे वो क्या करेंगे वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे मून की सर्फेस पे पर ये क्या करें ये कहीं मिले नहीं ये लापता हो गया ठीक है क्यों हो गया लापता हमको ये समझना है देखिए ये तो क्या है दिस इज वॉट दिस इज द आई थिंक दिस इज द रोवर ठीक है ये रोवर है और ये जो है ये ऑर्बिटर है ठीक है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर देखते हैं ये ऑर्बिटर है और ये रोवर है और विक्रम थे विक्रम क्या करेंगे वहां पर जाएंगे और विक्रम ऑर्बिटर क्या करेंगे उसको लैंड कराएंगे ठीक है विक्रम को और और सॉरी जो रोवर होंगे वो लैंड करवाएंगे विक्रम को यहाँ से निकल कर आएंगे विक्रम और जो ऑर्बिटर होंगे वो ऑर्बिट करेंगे चारों तरफ मून के आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ना बच्चों सब समझ में आ रहा है तो देखो यहां से ये निकला यहाँ यहाँ पे एडजस्ट हुआ और ये रहा अपना जो कि यहाँ पर क्या करेगा घूमेगा राइट तो दिस इज अबाउट व्हाट दिस इज अबाउट चंद्रयान अब देखो सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा सॉफ्ट लैंडिंग से क्वेश्चन आएगा सर सॉफ्ट लैंडिंग से कैसे आएगा लैंडिंग देखो क्या होता है अब बिल्कुल ध्यान से देखना इधर देखो सब एक तो है जैसे यहाँ से आया और ये मून का सरफेस है ठीक है यहाँ पर एकदम से आया जिसको बोलेंगे हार्ड लैंडिंग और समल गया इस तरह का बिल्कुल प्रेशर से और हार्ड लैंडिंग कर दिया ठीक है अब देखो हार्ड लैंडिंग ईजी इसलिए होता है क्योंकि जब वो घूम रहा होता है ना इत, इस टाइम पर जब वो घूम रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और उस स्पीड को एकदम से कम करना होगा ये इम्पॉसिबल टाइप की जॉब है ठीक है कि वहां से एकदम से थ्री किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेकर आना सिक्स थाउजेंड किलोमीटर पर आवर से एकदम से थ्री किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे लेकर आना ये बहुत ही मुश्किल होता है तो इसलिए क्या करते हैं हम हार्ड लैंडिंग ही करा देते हैं कि वहां पर हार्ड लैंडिंग करा देते हैं सरफेस पे देखकर और फिर क्या करते हैं फिर वहां पर एक्सपीडिशन कर लेते हैं बट जो अभी सरफेस है उसके अंदर हार्ड लैंडिंग नहीं हो सकती क्योंकि वहां पे बहुत सारे गड्ढे थे क्या था सर कौन सा सर्वेस साउथ पोल है मून का तो हम क्या कर रहे हैं जैसे ये मान लीजिए ये हमारा रोवर है ठीक है तो इसको क्या कर रहे हैं इसको हमने छोड़ा ना जब इसको छोड़ा जब तो इसकी स्पीड एकदम से हमको कम करनी होगी छह से एकदम से थ्री किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेकर आनी पड़ेगी तो ये जो कम स्पीड करेंगे ना ये सबसे टिपिकल जॉब होता है अगर स्पीड थोड़ी भी ज्यादा रह गई तो क्रैश कर है में दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी अब देखिए इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी लैंडिंग इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द मिशन ट्रैवलिंग स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर है बच्चों उसको अपन को 3 किलोमीटर पर आवर तक लेकर जाना है ठीक है फ्रॉम ऑर्बिटर लैंडर एंड द रोवर दैट वुड हैव टू स्लो डाउन टू रफली 3 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अपन को उसको करना है ठीक है नेक्स्ट इज द मून डज नॉट है टू प्रोवाइड द ट्रैक मून के पास एटमोस्फेयर नहीं होता कि वो ड्रैक करें सो द यूज ऑफ द पैराशूट टेक्नोलॉजी टू स्लो डाउन द लैंडर कैनॉट बी यूज इसलिए पैराशूट वहां पर काम ही नहीं करेगा मून की सर्फेस पर इंस्टिट थर्स्टर विल बी फायर इन द अपोजिट डायरेक्शन तो अपन क्या करना है कि मान लो यहाँ से हो इसकी स्पीड कम करनी है नीचे आ रहा है इसकी स्पीड कम करनी है तो अपोजिट साइड डायरेक्शन के अंदर क्या करें थर्स्टर लगा दें जिसको पीछे की तरफ खींचे तो वो स्पीड कम होती 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 है थ्री किलोमीटर पर हवा देगा पर यहाँ पर छह छह हजार से थ्री किलोमीटर पर आवर स्पीड लाना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है तो इसलिए ये नहीं हो पाया और इंस्टेट थ्रस्टर विल बी फायर्ड इन द अपोज डायरेक्शन टू स्लो इट डाउन है ना आई होप दिस इज क्लियर तो फर्स्ट मिशन आप देखो यहां से क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट स्पेस मिशन टू कंडक्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून साउथ पोलर रीजन क्या है सर साउथ पोलर रीजन में ये इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है साउथ पोलर रीजन क्या है फर्स्ट इंडियन एक्सपीडेशन टू अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग पहली बार हमने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी लूनर सरफेस पे पहली बार हम क्या करे थे पहली बार हम साउथ पोल रीजन के अंदर लैंडिंग करे थे ठीक है सॉफ्ट लैंडिंग करे थे राइट तो वाई एक्सप्लोर लूनर साउथ पोल साउथ पोल में ऐसा है क्या सर अभी तक तो कोई वहां पर गया नहीं है बच्चों ठीक है लूनर सरफेस एरिया रिमेन्स इन द शेडो ठीक है वो क्या होता है कि साउथ पोल के अंदर है ना वो शेडो में रहता है है ना तो यहाँ पर अगर मान लो कोई पानी होगा ना तो पानी होगा अभी तक ठीक है तो उस पानी को हमको क्या कर सकते हैं उसको एक्सपीडेशन कर सकते हैं पानी के ऊपर खोज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर क्योंकि वहाँ पर कभी भी क्या हुआ कभी भी सूरज की किरणें गई नहीं और वहाँ से क्या होता है एक्सपीडिशन प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सकता है इन परमानेंटली शेड्यूड एरिया अराउंड इट इन एडिशन साउथ पोल रीजन है स्केटर्स इसके अंदर गड्ढे भी होते हैं देखो ये वाला रीजन है जिसके अंदर ये देखो गड्ढे हैं साउथ पोल रीजन के अंदर तो इसमें पानी भरा रहने की संभावना है प्लस यहाँ पर क्या है छाया भी पड़ी हुई है तो पानी यहाँ पर इस तरह से uh, क्या होगा एवेपोरेट भी नहीं होगा ठीक है इस तरह से आपको इसको समझ में आना है ठीक है वाइट टू एक्सप्लोर द लोनासर साउथ पोल ये आपको समझ में आ गया होगा अब देखो लूनर साउथ पोल जो है ना वो क्या है इट इज ट्रेसेस ऑफ इसके अंदर हाइड्रोजन हो सकता है मिथिन हो सकता है सोडियम मरकरी सिल्वर अब इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स यहां पर है ठीक है तो यहां पर इस सरफेस को क्या करना है एक्सप्लोर करने के लिए साइंटिस्ट हमेशा एक्सप्लोर करते हैं हमने ट्राई मारा ट्राई फेल हो गया वापस मारेंगे फिर देखेंगे कि यहां पर साउथ पोल के अंदर क्या क्या चीजें हमको इसके अंदर मिलती है ठीक है इज दिस क्लियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज एंड मीन एडवांस वेज एंड मीन एडवांस की भी कहानी अलग ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टॉपिक है है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द लिमिट फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट दैट गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक से जो बोरो कर सकती है उसकी शॉर्ट टर्म लैंडिंग को क्या करा है क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बढ़ा दिया चलो समझते हैं क्या है बच्चों ये देखो इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एडोप्ट ट्रेजरी बिल्स क्या होता है एडोप्ट ट्रेजरी बिल का मतलब ये है नाइनटी डेज के लिए है ना गवर्नमेंट बॉन्ड छापना ठीक है प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट बाय द आरबीआई नोन एज बॉट इज नोन एज एडहॉक ट्रेजरी बिल ठीक है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट टू सेंट्रल बैंक टू कवर द गैप बिटवीन द रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर अब क्या है सर यह समझ में नहीं आया देखिए लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मान लीजिए बजट निकला ठीक है बजट निकला सर इसके अंदर हमने डिमांड रखी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसी एक प्रोग्राम के लिए मान लो हंड्रेड रुपीज हंड्रेड रुपीज में कौन सा प्रोग्राम तभी बुलाए मान लो कि हंड्रेड रुपीज के अंदर क्या करना है उसको चाहिए राइट किसी पर प्रोग्राम के लिए जैसे सर्व शिक्षा अभियान के लिए हंड्रेड रुपीज़ चाहिए अब है ना उसको पूरे साल के लिए हंड्रेड रुपीज चाहिए ना तो बजट में ऐसा नहीं होता कि तुमको हंड्रेड रुपीज़ मांगे और तुमको पूरा पूरा उसी वक्त दे दिया है ना क्वार्टर्स के अंदर दिया जाता है मतलब पच्चीस पच्चीस रुपए चार क्वार्टर्स में दिया जाएगा ठीक है सर क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर अब क्या हुआ कितना रुपया आना है सर हंड्रेड रुपीज आना है कैसे क्वार्टर वन में ट्वेंटी फाइव आएगा क्वार्टर टू में ट्वेंटी फाइव क्वार्टर थ्री में ट्वेंटी फाइव क्वार्टर फोर में ट्वेंटी फाइव तो हमने क्या करा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करने लग गई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्कूल बनाने लग गई स्कूल की बिल्डिंग बना रही थी इतने में क्या हुआ बनते बनते थोड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई और इस क्वार्टर के अंदर है ना तीस रुपये खर्च हो गए अरे सर आने कितने थे सर ट्वेंटी फाइव खर्च कितने हो गए तीस रुपए ये पाँच रुपये कहाँ से लाएगा पाँच रुपए आर बी के पास जाएगा आरबीआई से कहेगा लो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी पकड़ो और हमको क्या करो पांच रुपये हमको दे दीजिए फाइव रुपीज़ दे दीजिए हम जब भी हमारे पास अगला बजट आएगा तो हम दे देंगे अगला जो क्वार्टर में पैसा आएगा ना वो हम दे देंगे तो नाइन थ्री मंथ्स के लिए थ्री मंथ्स के लिए इनसे क्या करा इनसे इन्होंने क्या करा पाँच रुपये ले लिया अब अगली बार क्या हुआ अगली बार ट्वेंटी फाइव रुपीज़ आए ट्वेंटी फाइव का खर्चा हुआ और ट्वेंटी फाइव रुपीज़ आए आर बी आई ने बोला कि आप पैसे बोले रुको रुको अभी देते हैं ठीक है बोले सर नाइन्टी वन डेज़ का था चलो आर बी आई तुम्हें इतनी जल्दी हो रही ना तो तुम क्या करो प्रिंट कर लो करेंसी को और गवर्नमेंट मतलब रिलेक्टेंट हो जाती थी गवर्नमेंट प्रिंट करवा देती थी uh, गवर्नमेंट क्या करा देती थी गवर्नमेंट प्रिंट करवा देती थी करेंसी और इससे इन्फ्लेशन हो रही थी ये पॉइंट समझ में आया दिस क्लियर टू एवरीवन गवर्नमेंट प्रिंट करा दे रही है करेंसी और उससे क्या हो जा रहा है उससे इन्फ्लेशन हो जा रहा है यहां तक समझ में आ रहा है तो मतलब गवर्नमेंट आरबीआई से उधार लेती है गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर ठीक है बट गवर्नमेंट बॉन्ड प्रिंट करवाकर और फिर उसको देती नहीं है तो आरबीआई को मजबूरन क्या होता है करेंसी को प्रिंट कर देना पड़ता है और करेंसी प्रिंट होने से क्या होता है बच्चों इन्फ्लेशन बढ़ जाती है मार्केट के अंदर क्योंकि वो करेंसी घूमकर मार्केट में आएगी मार्केट की मनी सप्लाई ज्यादा हो गई मनी सप्लाई हो गई तो डिमांड बढ़ गई डिमांड बढ़ गई तो उसका क्या हो जाएगा प्रॉब्लम आ जाएगा राइट क्या इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यहां तक क्लियर है सबको जस्ट गिव मी थम्स अप इफ दिस इज क्लियर थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं पूछू इन बड़ी एनी डाउट तो आर ने क्या करा मतलब गवर्नमेंट ने क्या करा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ से पैसा लिया आर से पैसा लिया और आर से पैसा लेकर क्या करा उसको वापस नहीं लौटाया और आरबीआई से बोल दिया प्रिंट द करेंसी अब आर का दिमाग खराब हो रहा है बोल रहे सर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है इससे गवर्नमेंट कह रहा है भाई हमारा तो काम चल रहा है तुम तो अपना इन्फ्लेशन देखो हमारा तो क्या है अच्छा सा काम ही चल रहा है तो इसलिए क्या हुआ कि एडोक्ट ट्रेजरी बिल्स को खत्म किया गया और 1997 के अंदर, RBI के अंदर एक्ट में परिवर्तन किया गया अब सेक्शन ऑफ आरबीआई के अंदर से लिया है, है? ठीक ऑथोराइजेज बैंक टू लैंड टू सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट को लैंड करना है सब्जेक्ट टू तेर बींग रिपेबल है, कि वापस देना है पैसा ऐसा नहीं कि तुम वापस नहीं दोगे सेंटर को कर सकते हैं और स्टेट को कर सकते हैं ये है वो रीपे करना ही होगा और तुम यहां पर हमको ये नहीं कह सकते कि भाई प्रिंट कर लो करेंसी ऐसा नहीं है तुम हमसे लोन ले रहे हो तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंट करके हम क्यों नहीं दे रहे हो तुम हमसे लोन ले रहे हो दिस इज नोन एज दिस इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांस ठीक है आई होप दिस इज क्लियर तो जो प्रॉब्लम थी ट्रेजरी बिल से थी एडॉप्ट ट्रेजरी बिल से थी अब वेज एंड मीन्स एडवांस अब इसका देखो ये क्या है अप्रैल फर्स्ट 1997 से ये स्टार्ट हुआ टेम्परेरी लोन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द गवर्नमेंट टू इनेबल इट टू मीट टेम्परे मिसमैच मिसमैच जो हो रहा है ना क्वार्टर वन क्वार्टर टू क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर में पैसा कम आ रहा है बन गई बिल्डिंग ज्यादा तो उसको क्या बोलते हैं अपन टेम्परे मिसमैच बिटवीन द रिवेन्यू एंड द एक्सपेंडिचर उसको फुलफिल करने के लिए वेज एंड मीन एडवांस को लेकर आए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी चलिए द गवर्नमेंट मेक्स एन इंटरेस्ट पेमेंट टू द सेंट्रल बैंक इट द मनी अब गवर्नमेंट ने मान लो सौ रुपए लिए तो इंटरेस्ट भी देगी और इंटरेस्ट की रेट क्या होगी वही होगी जो कि रेपो रेट की होगी अरे सर रेपो रेट तो बहुत सस्ती होती है हाँ, सस्ती होती है आरबीआई क्या करें गवर्नमेंट से वही रेट लेगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सेम एज द रेपो रेट द दर इज थ्री मंथ तीन महीने का लोन है और rate of interest रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर एज द रेपो रेट सर ठीक है रेपो रेट की सिमिलर होती है क्वेश्चन पूछा जाएगा वेस्ट एन मीन एडवांस के अंदर रेपो रेट स्टेट गवर्नमेंट को देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देता मान लीजिए तो पूछा भी जा चुका है, के सर, है सर, अब कि चलो तुमको दस दिन और देते हैं ठीक है ओवरड्राफ्ट आर नॉट अलाउड बियॉन्ड दंजिवर्क दस दिन से ज्यादा नहीं दस दिन से अगर ज्यादा तुमने कुछ करा ठीक है दस दिन से ज्यादा करा तो फिर वो लॉ का ब्रीच हो जाएगा ठीक है

उसकी हेल्थ कैसी है क्रेडिट पहुंचना है कि नहीं पैसा उसका इंडेक्स निकाला हुआ है ठीक है तो देखिए द लेटेस्ट एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स इंडिकेट द एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ हैज हेजिलेटेड इन क्वार्टर एंडिंग ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी की एंडिंग तक क्या था कि इनके पास पैसा जो था वो पहुंच रहा था पैसा पहुँचता कैसा है सर एमएसएमई के पास बच्चों एक होता है बैंक यस सर तो बैंक और उसके ऊपर होता है आरबीआई बी हाँ सर आरबीआई बैंक से बोलता है कि एमएसएमई को पैसा दो अच्छा सर सर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोल रहे हो क्या हाँ बच्चों एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होता है दूसरा आरबीआई टाइम टाइम टू बैंक को क्या करता है बैंक को फोर्स करता है कि हमसे पैसा लेकर सस्ते में आप एमएसएमई को दे दो अच्छा सर इसी तरह से एक बैंक है नबार्ड नबार्ड क्या करता है नबार्ड उन बैंक को पैसा दे नबार्ड डायरेक्टली पैसा नहीं देगा नबार्ड का अलग ही एटीट्यूड है नबार्ड का कैसा एटीट्यूड है नबार्ड उन बैंक को पैसा देगा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो एमएसएमई को पैसा देंगे या फिर जो गरीबों को पैसा देंगे ठीक तो है तो नबार्ड गरीबों का बैंक पर नबार्ड खुद डायरेक्टली नहीं लेता एटीट्यूड अलग है ये क्या करता है ये इन बैंकों को पैसा दे रहा है जो कि गरीबों को पैसा देता है इन डायरेक्टली नबार्ड इज गिविंग मनी ठीक है तो ये अपन समझते हैं एमएसएमई का कई डायमेंशन में पैसा यहाँ से आ जाता है राइट तो अभी ना एमएसएमई की क्रेडिट हेल्थ ठीक ठाक है अच्छी है अच्छा इंप्रूव कर रहा है इस तरह से तो एक्चुअल में क्या हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था ठीक ठाक सी चीजें चल रही थी पर क्या हुआ कि एकदम से आ गया कोविड नाइन्टीन हाँ सर कोविड नाइन्टीन आ गया अब कोविड नाइन्टीन आया ना तो बैंक ने मना कर दिया भाई मैं तो पैसे दूंगा ही नहीं मैंने पैसे दिए नहीं कि एनपीए बन जाएगा मार्केट इतना रिस्क्योर है एमएसएमई वाले बोल रहे हैं भाई पैसा दे दो तो, नहीं तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे बड़े लोग तो अंबानी टाइप के लोग तो अपना काम चला लेंगे हम लोग तो खत्म ही हो जाएंगे तो आर ने बैंक को बोला कि भाई इनको पैसा दो एमएसएमए बैंक ने बोला सर नहीं आपके कहने से हम नहीं देंगे अगर पैसा देने के लिए आप बोल रहे हैं तो आप है ना क्या करो आप हमको बताओ कि किस तरह से हम पैसा दें यहाँ तो पैसा डालते हैं तो पैसा खत्म हो जाता है तो आर बी आई आया गवर्नमेंट के पास आर बी आई ने गवर्नमेंट से बोला साहब देखो हमारे बैंक है ना रिलेक्टेड हो रहा है एम एस एम ई को पैसा देने से और उनकी बात भी सही है सर कोविड नाइन्टीन में मार्केट इतना ख़राब है वापस पैसा लौट कर नहीं आया तो फिर बैंक को संभालने के लिए हमको पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट ने बोला बर्क देखो बरकूबदार पैसा तो देना पड़ेगा है ना इन बच्चों तक तो पैसा तो पहुंचाना पड़ेगा एमएसएमई तक तो. अगर फिर इन्होंने गवर्नमेंट इज सेइंग टू द बैंक कि देखिए आप इनको हंड्रेड रुपीज दो बोले, दे देते, और इसकी हम लेते, अगर पैसा नहीं देंगे तो हम तुम्हें पैसा देंगे अच्छा सर इस क्रेडिट की गारंटी हम ले रहे हैं ओके और दैट इज नोन एज इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम इस स्कीम से क्या हुआ इस स्कीम से बहुत सारा पैसा एमएसएमई के पास आया और एमएसएमई ने क्या करा कोविड नाइन्टीन से लड़ने के लिए एमएसएफ के पास बहुत सारा पैसा आ गया ठीक है इज क्लियर टू चलिए तो लेटेस्ट एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स इंडिकेट दैट एमएसएमई क्रेडिट ग्रोथ हैज क्रेडिट इन द क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2020 ट्वेंटी एज कम्पेयर टू द जून 2020 द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम हैज हेल्प इन द क्रेडिट ग्रोथ फॉर द माइक्रो एमएसएमई सेक्टर के अंदर ये हुआ है ठीक है ग्रोथ हुआ है अब ये तो हो गया अपना जो इसने एमएसएमई की क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स ने बताया अब इसके बारे में समझते हैं कि क्या है देखिए अबाउट एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्सा ठीक है ये 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 और Ministry of Statistics, P, ये है। और लॉन्च करती बताती है कि तक तो कितना पैसा पहुंच रहा है, ठीक है ठीक है, तो देखो हैज लॉन्च एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स द इंडेक्स इज पब्लिश क्वार्टरली क्वार्टरली इंडेक्स पब्लिश होता है क्वार्टरली का मतलब क्या होता है सर चार महीने में एक बार ओके okay. तो ये कौन कौन करता है ट्रांस यूनियन सिविल एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक एंड मॉस्पी ये करते हैं एमएसएमई की क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स निकालते हैं एम क्या है? एम ये है कि भाई इनका मेजर ऑफ द ग्रोथ एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया इंडिया के अंदर कितना ग्रोथ कर रहे हैं कितना इनका स्ट्रेंथ है ये सब देखते हैं द इंडेक्स विल प्रोवाइड गवर्नमेंट पॉलिसी मेर लेंडर्स एंड एमएसएमई मार्केट पार्टिसिपेशन एंड न्यूमेरिक इंडिकेटर फॉर बेंच मार्क इन देल्थ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर कि एमएसएमई का क्या हेल्थ चल रहा है उसके अंदर कितना पैसा आपको डालना चाहिए क्या करना चाहिए कितना ग्रोथ और स्ट्रेंथ है ये सब चीजें इसके अंदर देखा जाता है राइट नेक्स्ट इज दिस वन हैव यू सीन इमेजेस ऑफ एशियन इंडिया ऑनली गोल्डन टाइगर देखो ये देखो एक स्टोरी सुनो कि गोल्डन टाइगर है ना एक काजी थे अच्छा सर काजी है ना काजी थे उनके घर में है ना एक गोल्डन टाइगर था गोल्डन टाइगर मिला ठीक है तो काजी से आप याद रखना काजीरंगा नेशनल पार्क और गोल्डन टाइगर से याद रखना गोल्डन टाइगर ठीक है तो कुछ नहीं आसाम के अंदर अभी गोल्डन टाइगर देखने को मिला है सर क्या हो गया तो गोल्डन टाइगर कभी देखा है क्या गोल्डन टाइगर बहुत रेयर होता है तो ये रेयर टाइगर जो है ठीक है ये रेयर टाइगर देखने को मिला है गोल्डन टाइगर राइट तो इसलिए ये न्यूज के अंदर हो गया कि इसके अंदर गोल्डन टाइगर देखने को मिला है तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है और आ, आसाम के अंदर मिला इसको बोला गया काजी वन जीरो सिक्स एफ गोल्डन टाइगर ठीक है अब गोल्डन टाइगर नोन उन्होंने स्टेबी टाइगर और स्ट्रॉबेरी टाइगर वो जो टाइगर बैठा था ना उधर वो क्या था स्ट्रॉबेरी खा रहा था किसके अंदर एक बार एक काजी आया अपने घर में गया काजी गया तो एक गोल्डन कलर का टाइगर मिला था उसने बोला अल्लाह का रहम हो गया शायद गोल्डन कलर का कुछ पड़ा है देखा तो टाइगर था ठीक है गोल्डन टाइगर उधर मिला ठीक है और वो स्ट्रॉबेरी खा रहा था ये याद कर लो स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं उसको टैबी टाइगर भी बोलते हैं इज टाइगर विद ए कलर वेरियंट

सिंपल है कुछ भी नहीं है इसमें अगाउटी जीन और टैबी जीन ये याद कर लेना है कि कहाँ पाए जाते हैं इसे पूछा जा सकता है भैया टाइगर के अंदर पाए जाते हैं हमारे अंदर नहीं पाए जाते अगौटी जीन एंड टैबी जीन अगौटी उसको येलो बनाता है येलो स्किन जो होती है ना अगावटी होती है अब इनमें कुछ लोचा होता है ना इन जीन्स के अंदर तब जाकर वो गोल्डन कलर का दिखने लगा जाता है और गोल्डन कलर का दिखने लगाता है तो अपन ने कैसे याद करा इसको कि काजी है उसके घर में वो जा रहा था ठीक है घर में देखा तो गोल्डन कलर का कुछ था ठीक है और फिर उसने ध्यान से देखा अरे ये तो टाइगर था और टाइगर स्ट्रॉबेरी खा रहा था ठीक है तो स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं इसको स्ट्रॉबेरी टाइगर भी बोलते हैं इसको टैबी टाइगर भी बोलते हैं इसको इसको गोल्डन टाइगर भी बोलते हैं वन एंड द सेम थिंग कहां पाया जाता है ये काजीरंगा नेशनल पार्क काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क इसके अंदर देखते हैं राइट आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन अब देखिए सपरेशन ऑफ एनी ऑफ दीज जीन्स मैनी लीड्स टू द कलर वेरियंट्स इन दाइगर टाइगर के अंदर कोई भी सप्रेशन हो जाता है ठीक है ब्लैक स्ट्रिप होती है और ब्लैक स्ट्रिप किसते हैं टेबीजीन से कंट्रोल होती है तो टेबीजीन के अंदर थोड़ा सा लूचा हुआ तो उसके कारण क्या हुआ ब्लैक स्ट्रिप रेडिश स्ट्रिप बन गई है और पेल गोल्डन कलर होता है राइट आई होवरी वन अब देखो Concerns क्या है रेयर स्किन टोन इज रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इनब्रीडिंग इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है पहले समझो जैसे मान लीजिए फैमिली के अंदर ही मीटिंग हो गया टाइगर की फैमिली थी ठीक है और फैमिली के विद इन फैमिली अगर मीटिंग हो जाता है है ना रिलेटेड जो है जैसे मान लीजिए ये टाइगर की मौसी है ये टाइगर खुद है और इनके बीच में मीटिंग हो गया ठीक है तो इस केस के अंदर क्या होता है इस केस के अंदर इसको बोला जाएगा इनब्रीडिंग और इनब्रीडिंग होने से क्या हो जाता है इन ब्रीडिंग होने से अपना जो होगा रिसेसिव ट्रेड्स जनरेट हो जाते हैं अब रिसेसिव ट्रेड्स क्या होते हैं जब दो अलाइज वो एक जैसे मदर के भी सेम हो और फादर के भी सेम हो ठीक है अगर दो जीन ऐसे हो जाते हैं जो मदर के भी सेम फादर के सेम ये कब होता है जब रिलेटेड स्पीसीज होते हैं ठीक है थेके? तो उससे क्या होता है उससे रिसेसिव ट्रेट बनता है राइट तो इतना आपको याद करना इन ब्रीडिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टू अलीलिज इन एन इंडिविजुअल बींग आइडेंटिकल डिसेंट डिसेंट का मतलब कि या तो सेम फैमिली से हो एंड इज नॉर्मली द रिजल्ट ऑफ मेटिंग रिलेटेड इंडिविजुअल जब रिलेटेड इंडिविजुअल होंगे तो उसको क्या बोलते हैं उसको मेटिंग को इसको इस तरह से बोलते हैं राइट right? तो उसको बोलते हैं अपन इन तो तुमसे पूछा जा सकता है इन होता क्या है तो एक्सेसिव जब इन होगी तो जीन के अंदर लोचे हो जाते हैं और उससे क्या होता है गोल्डन कलर का दिखने लग जाता है टाइगर उसकी जो ब्लैक स्ट्रिप होती है वो दिखने लग जाती है रेड कलर की ठीक है इट कैन इंक्रीज द चांस ऑफ ऑफ स्प्रिंग बींग इफेक्टेड बाई रिसेसिव ट्रेड से ये हो सकता है कि ऑफ स्प्रिंग है कि वो इफेक्ट हो रिसेसिव ट्रेड से ठीक है मैंने बता दिया वॉट इज रिसेसिव ट्रेड इज रिसे क्लियर टू एवरी वन टाइगर रिजोर्ट टू द इन बीडिंग वेन देयर पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट एलेंडेड विदाउट कनेक्टिविटी ठीक है जब पॉपुलेशन कम हो जाती है ज मेनलीज ऑफ कॉरिडोर तो वो इन ब्रिडिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं ये आपको इसके समझ में आना चाहिए। टाइगर की इन चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं पाइड को है ना को पाइड को क्या है ये है ठीक है अब इसके अंदर क्या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तीनों ने मिलकर एक कहा है कि इसके बारे में हम स्टडी करेंगे सर क्या है इसके अंदर जो स्टडी करेंगे इट इज़ डन बाई टैकिंग टू ऑफ़ द बर्ड्स विद सेटेलाइट ट्रांसमीटर इनके अंदर सेटेलाइट ट्रांसमीटर लगा दिए अभी जहाँ जाएंगी तो ये कैसे जाती हैं क्या करती हैं क्या कैसे अपने बच्चों को रखती हैं ठीक है ठीके? और ये सब चीज़ें कहाँ पर रहती हैं रात में जगती हैं कि रात में सोती हैं इन सब के बारे में क्या हम करेंगे हम जानकारी लेंगे इनके ट्रांसमीटर लगा दिए ठीक है इनको तो पता भी नहीं हुआ ट्रांसमीटर लगा दिए हाँ तो ये इनका हर एक्शन हर डेली एक्टिविटीज हम इसके अंदर नोट कर रहे हैं कौन कौन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिमोट सेंसिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को इज इन द न्यूज ठीक है तो देखो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ए बर्ड बीन टैक्ट इतना जो उसको दिया है कि Uh, जो उसके ऊपर ट्रांसमीटर लगा के इट्स रिलेशनशिप विद द क्लाइमेट पैटर्न क्लाइमेट पैटर्न से किस तरह का रिलेशनशिप है लाइक चेंज इन द मानसून विंड मॉन्सून विंड के ऊपर चेंज होता है तो ये किस तरह से रिएक्ट करती है रेटिक रेनफॉल सीजनल फ्लक्चुएशन तो हम इसकी स्टडी कर रहे हैं बर्ड स्पीसीज की स्टडी कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये होता है पाइड कुकोव राइट तो अराइवल ऑफ पाइड कुकोज हैज्रेडिशनली बीन सीन एज अ ऑनसेट ऑफ मानसून देखो ये एक बहुत ही यह है कि जब ये आती है ना पाइड कोको तब इसके साथ साथ मानसून भी आता है तो भाई ऐसा क्या है इसका क्लाइमेट का रिलेशन क्या है हमारा दिमाग खराब हो रहा था हमने सोचा क्या करें इसके क्या करते हैं इसके पंखों के अंदर ट्रांसमीटर लगा देते हैं अब पता चलेगा इसको कैसे पता चल जाता है क्या होता है इसके साथ ऐसे सपना आता है इसको क्या होता है कि अराइवल ऑफ पाइड कोकोज हैज़ ट्रेडिशनली बीन सीन एज अन्सेंट ऑफ मानसून स्टडी इज़ ए पार्ट ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट इंडिया बायो रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क आई का जो है ये पार्ट है फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिस कैन भी कि इंडियन बायोसोर्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना है हमको एक ठीक है उसका एक पार्ट है जिसके अंदर पाइड कुको का दे रखा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आई बी आई एन इज प्रपोज टू बी सिंगल पोर्टल डेटा प्रोवाइडर ऑफ इंडिया बायो रिसोर्स इंडिया के इतने सारे बायो रिसोर्स है जैसे प्लांट हो गया एनिमल हो गया ठीक है माइक्रोब्स हो गए इन सब का क्या करा एक जगह एक ही जगह इन सब का क्या करेंगे सिंगल पोर्टल डेटा सिस्टम है, राइट ना, राइट टू प्राइवेसी खतरे में सही बात है अबाउट पाइड को, अब इसको तो पता भी नहीं है, में जो है और एक नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया के अंदर जो कि क्या है सॉरी फॉर दिस वन आई कैपिटल ठीक है इंडिया के अंदर जो कि माइग्रेटरी है राइट वो माइग्रेटरी आती है साउथर्न पार्ट में तो ये रेजिडेंट होता है इट इज वन ऑफ द फ्यू स्पीसीज दैट कम्स टू इंडिया इन द समर समर के अंदर आती है बहुत कम स्पीसीज है जो समर के अंदर आती है समर के अंदर आती है इंडिया के अंदर ठीक है क्यों नहीं आती समर में सर गर्मी इतनी पड़ती है आजकल ठीक है आयुषीन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न हमें कंसर्न ही नहीं है तो फिर ट्रांसमीटर कहें लगाए थे ठीक है तो ऐसे याद करो कि देखो साइंटिस्ट को कंसर्न होगा इसलिए उन्होंने ट्रांसमीटर लगाया हमें कंसर्न नहीं है ठीक है पाइड कुको हो चाहे कोई सी कु हो हमें कंसर्न नहीं, नहीं है तो हम लीस्ट कंसर्न अपन इस तरह से याद करेंगे राइट चलो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं राइट टू रिपेयर आप कहेंगे सर ये क्या अधिकार हुआ राइट टू रिपेयर यूरोपियन यूनियन बच्चों हमारे लिए हो सकता है कि बहुत फनी हो पर आपको एक चीज़ बताता हूँ जैसे मान लीजिए आपने टीवी खरीदा हाँ सर बहुत बड़ी स्क्रीन वाला टीवी खरीदा है आपने मान लीजिए वन लैख का टीवी खरीदा ठीक है अब आपका है ना टीवी खराब हो गया अरे सर कितने साल बाद एक साल बाद टीवी खराब हो गया आप क्या करोगे सर करना क्या है मैकेशन मैकेनिक को बुलाएंगे सर सही करवाएंगे इसको टीवी को ठीक है इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन जो भी है उसको बुलाएंगे और सही करवाएंगे बच्चों तुम यहाँ पे तो करवा लोगे इंडिया में तो तुम करवा सकते हो पर पता है तुमको यूरोप के अंदर ये नहीं है क्या बात कर रहे हैं सर मतलब यूरोप के अंदर अगर तुम्हारा टीवी खराब हो गया तो तुमको दूसरा टीवी खरीदना पड़ेगा अरे सर ऐसे कैसे अरे ऐसा ही है कैसे सर वापस टीवी दूसरा टीवी खरीदना पड़ेगा हाँ क्यों क्योंकि स्पेयर पार्टी नहीं बनाते अरे सर टीवी के की स्पेयर पार्टी नहीं मिलेंगे कहाँ से सही कराओगे और कॉयल भी ऐसी लगाएंगे जो एक साल से ज्यादा नहीं चलेगी एक साल में जल जाएगी अरे सर यूरोप मतलब जर्मनी जैसे देश ऐसे करते हैं हाँ क्यों करते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन टीवी का एक आदमी दस साल में एक टीवी खरीदता है है ना तो दस आदमी एक साल में अगर मान लो दस टीवी मतलब दस साल के अंदर मतलब एक आदमी दस साल के अंदर दस टीवी खरीदे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा यहां पर क्या है दस साल में एक टीवी खरीदा जा रहा है यहां पर एक दस साल के अंदर क्या कर रहा है टीवी और खराब हो जाता है तो तो सही भी नहीं होता। क्यों, इसके नहीं होता क्योंकि पास पास स्पेयर पार्ट ही है हमारे तो इससे ना इतने सारे टीवी इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदे जा रहे हैं कि ई वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट हो रहा है कि यूरोप ने अपने मैन्युफेक्चर यूरोप ने अपने मैन्युफैक्चर के ऊपर हाथ जोड़ के विनती करी कि भैया राइट टू रिपेयर हम लाके आ रहे हैं यहाँ पर और तुमको है ना ऐसे स्पेयर पार्ट्स और ये सब चीजें रखने होंगे ठीक है दे कैन आस यू व्हाट इज राइट टू रिपेयर राइट तो देखो दैट सेल रेफ्रिजरेटर्स वॉशर्स हेयर ड्रायर्स और टेलीविजन इन द यूरोपियन यूनियन विल नीड टू इंश्योर दैट दो कैन बी रिपेयर फॉर अप टू टेन ईयर दस साल तक तो एटलीस्ट कम से कम रिपेयर रहेंगे ही ये उन्होंने इसके अंदर बोला गया राइट टू रिपेयर एज इट समाइम्स कॉल्ड गेम्स इंटो फोर्स अक्रॉस ट्वेंटी सेवन नेशन फ्रॉम मार्च ट्वेंटी 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 हमने कह दिया है राइट टू रिपेयर रिपेयर करने का अधिकार हमारे सिटीजन के अंदर है यूरोप ने कहा है ठीक है हमारे पास तो है ही पर यूरोप वालों के अंदर ये सिस्टम होता है क्योंकि यूरोप के अंदर ना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी चाहती है कि प्रोडक्शन करो प्रोडक्शन करो जल्दी से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और वहां पर सबसे ज्यादा कंट्रोल पता है किसका है जर्मनी का तो जर्मनी तो वैसे कैपिटलिस्ट माइंड का है तो जर्मनी कहता है कि भाई इस तरह का रूल हो कि भाई राइट टू रिपेयर था ही नहीं पहले पर अब जब ई वेस्ट इतना सारा हो गया एक घर में पांच पांच टीवी मिलने लग गए चार तो खराब थे ठीक <laughs> है तो फिर क्या हुआ फिर ई वेस्ट इतना ज्यादा जनरेट होने लग गया कि उन्होंने कहा कि भैया जल्दी से इसका क्या करना पड़ेगा एक कानून बनाना पड़ेगा फिर इन्होंने बनाया कानून राइट टू रिपेयर इलेक्ट्रॉनिक्स रेफर्स टू द गवर्नमेंट लेजिस्लेशन दैट इज इंटेंडेड टू अलाउ द कंज्यूमर दबी टू रिपेयर एंड मॉडिफाई देयर ओन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अदरवाइज नहीं खरीदना पड़ रहा था वेयर अदरवाइज द मैन्युफैक्चरर ऑफ सच डिवाइस रिक्वायर्स द कंज्यूमर टू यूज ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑफर्ड सर्विसेस यूज करने के लिए वो बोल रहे थे अब आप क्या कर सकते हैं आप राइट टू रिपेयर के अंदर अपना रिपेयर भी करवा सकते हैं टेलीविजन टू एवरी वन पहले इनके पास ये नहीं था आई होज क्लियर जस्ट अपर एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो हाँ बच्चों तुम्हारी शिकायतें हैं कि सर पीडीएफ नहीं दे रहे हैं ट्वेंटी एट के बाद से पीडीएफ नहीं आई है ठीक है साथ में आप पता है क्या कहते हैं आप रूल ऑफ गेम में एक रूल ऑफ गेम में ये भी डाल रहे हैं ना पी रिवाइज करो दो बार कहां से करें देते तो है नहीं तो आज मैं आपको सारी पीडीएफ दे, दे देता हूँ ठीक है ग्रुप के ऊपर टेलीग्राम ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसमें भी दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन पे या फिर आप ज्वाइन भी कर सकते तो हैं टेलीग्राम ग्रुप डायरेक्टली है ना लिंक दे देता हूँ सारी पीडीएफ मैं आपको देता हूँ अच्छा एक बार डिस्क्रिप्शन पे जाओ सब बच्चे डिस्क्रिप्शन पे जाकर मैं भी जाता हूँ अब ये जरूर कर लेना ये जो पहला है ना करंट अफेयर क्लास ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर ए पर एम पर होगी ठीक है सुबह होगी ग्यारह बज के पंद्रह मिनट पर ये क्लास सबको अटेंड करनी है क्यों क्योंकि बच्चों देखो पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे तुम पढ़ते भी जाओगे और कुछ आउटपुट निकलेगा नहीं आउटपुट निकालना है हमें मेनली तो तो हम क्या करेंगे यहाँ पर आपसे क्विज बनाएंगे इन्हीं चीज़ों की क्विज में आप क्विज के फॉर्मेट में आपको रिविजन कराना है तो ये पूरा क्लास आप करें तभी जाकर ये पैकेज वर्क करेगा तभी जाकर ये गेम वर्क करेगा आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी एंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आप लोगों ने मुझे इतना ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बाय बाय टेक केयर एंड हैव एनेस्ट